वैरायटी है हमारी वो पूसा अरुणिमा है। अरुणिमा मैं जानता हूँ, बढ़िया है और उसका TSS भी ठीक ठाक है। उसका TSS अच्छा है। दोस्तों मैं आया हुआ हूँ दिल्ली और दिल्ली में चल रहा है आम महोत्सव 2024। आप देख सकते हैं दिल्ली आम महोत्सव शुरू हो चुका है, 5 से 7 जुलाई तक चलेगा। जनकपुरी दिल्ली हाट में ये मैंगो फेस्टिवल हो रहा है और एक एक आम की वेरायटी को कवर करने वाला हूं। और ये आम का सीजन बिल्कुल पीक पर है, बहुत सारे किसान भाई यहां पर आम की वैरायटी को लेके आए हैं, एक एक आम की वैरायटी को कवर करेंगे और इस वक्त कलर वैरायटी का चलन है वो भी दिखाएंगे, कौन सी नई वैरायटी आई है वो भी दिखाएंगे। इस वीडियो को भाइयों अंत तक देखिएगा, आप लोग देख रहे हैं जय होम गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंगो फेस्टिवल है इसमें लार्ज वैरायटी ऑफ मैंगोज ऑन डिस्प्ले दिखाया जाएगा, मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन भी होगा और मैन वुमन के बीच में जो कि कल होगा यानी कि 6 तारीख को होगा, और मैंगो यहाँ बेचे जाएंगे, मैंगो से संबंधित जो भी प्रोडक्ट होते हैं वही बेचे जाएंगे, कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे। बहुत मुझे आके यहाँ अच्छा लगा और काफ़ी यहाँ पर व्यवस्था जो है वो अभी दिल्ली सरकार की काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए मैंगो फेस्टिवल में आप लोगों को दिखाते हैं कि कौन कौन सी वैरायटी क्या है। आप कहाँ से आए हैं और अपना परिचय दीजिए। बिल्कुल धन्यवाद, मैं डॉक्टर निमिषा शर्मा सीनियर साइंटिस्ट जी फ्रूट्स एंड हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली जी। जैसा कि आप देख सकते हैं आए हैं, कौन कौन सी वैरायटी जो है आप लेके आए हैं इस मैंगो फेस्टिवल में, नई कौन सी आ रही है और थोड़ा पुरानी बता दीजिए जो बहुत बढ़िया है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने आम में सबसे पहले रूट स्टॉक को सर्वप्रथम रिलीज किया है जी, जो दो वेरायटी है जो कि CVRC से रिलीज हुई है, पूसा आम मूलग्रंथ 1 और पूसा आम मूलग्रंथ 2। उनका फ्रूट्स अभी अवेलेबल नहीं है जी, और उससे पहले प्रिसीडिंग ईयर के अंदर जो है पूसा मनोहारी और पूसा दीपशिखा आम की वेरायटी रिलीज हुई है। 1 decade before अमरपाली और मल्लिका जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर वेराइटीज हैं, दशहरी और नीलम से हमने हाइब्रिडाइजेशन कर उन वेराइटीज को बनाया है। इन वेराइटीज की खास चीज ये है कि ये रेगुलर बियरिंग है, हर साल फलन देती है, जबकि जो दशहरी है वो इरेगुलर बियरिंग है, तो वो एक साल फलन देती है और एक साल नहीं देती, ऑन और ऑफ सीजन आप सभी को पता होगा। लेकिन अमरपाली उससे हमने बनाई है, तो वहां पे हमने नीलम जो कि साउथ इंडिया की पॉपुलर वैरायटी है और रेगुलर बियर है, तो जब हमने इसे दशहरी के साथ में क्रॉस किया है तो अमरपाली विकसित हुई है जो कि रेगुलर बियर है, और इसका TSS कंटेंट कैरोटीनॉइड काफी अच्छा है, तो ये एक पॉपुलर वैरायटी है और अभी काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। अगर किसान भाई इसकी फार्मिंग करते हैं दीपशिखा मनोहरी तो क्या ये लेट वैरायटी में मुनाफा होगा या नहीं होगा, इसके विषय में आपको क्या कहना है? जो पूसा से रिलीज हुई है वैरायटी उसमें लेट सीजन जो वैरायटी है जो कि जुलाई एंड और अगस्त फर्स्ट वीक तक जो आती है और जिनकी की शेल्फ लाइफ अच्छी है जी, उसमें है सबसे फेमस जो वैरायटी है हमारी वो पूसा अरुणिमा है। अरुणिमा मैं जानता हूँ, बढ़िया है और उसका TSS भी ठीक ठाक है। उसका TSS अच्छा है, उसकी शेल्फ लाइफ काफी अच्छी है। यहाँ पर अरुणिमा का मैंगो आया हुआ है मैंगो फेस्टिवल में। हाँ जी हाँ जी, ये देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये कलर वैरायटी है, तो ये एक्सपोर्ट पर्पज के लिए आगे काफी ज्यादा पॉपुलर होने वाली है। तो किसान भाइयों को आप रेकमेंड कर रहे हैं ये वैरायटी 100% अरुणिमा 100%, क्योंकि हम जब किसी वैरायटी को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, शेल्फ लाइफ इज ए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, सो पूसा अरुणिमा इज परफॉर्मिंग सो वेल। अच्छा मैं यहाँ देख रहा हूँ कुछ कोडिंग लगी हुई है। ये देखिए कोडिंग लगी हुई है इसमें, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ इस पर आपका रिसर्च चल रहा है, जितनी भी कोडिंग लगी हुई है वही है ना? दे आर अंडर पाइपलाइन, वेरी सून वी आर गोइंग टू रिलीज दीज वैरायटी, बिकॉज मैंगो इज ए हाईली हेटेरोजाइगस क्रॉप, सो वी हैव टू कंसिस्टेंटली सी द परफॉर्मेंस ऑफ द वैरायटी एट डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट ट्रायल, एंड वी हैव टू कलेक्ट द डेटा एवरी ईयर, देन आफ्टर सर्टेन ईयर्स with consistent performance only we can recommend it for the release and for the commercialization. जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कदीम चंदन नर्सरी मलियाबाद लखनऊ का स्टॉल लगा हुआ है, ये देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर ये मैंगो रखे हुए हैं। फिलहाल मैं भैया पूछता हूँ कहाँ से आए हैं, फिलहाल बता दीजिए आप। मैं मलियाबाद लखनऊ। नाम बताइए अपना। मेरा नाम शादाब अली। शादाब अली, कितनी मैंगो की वैरायटी इस दिल्ली मैंगो फेस्टिवल में आप लेके आए हैं? हम अकेले खुद कम से कम 250-300 वैरायटी लेकर के आए हैं। 250 से 300 वैरायटी लेके आए हैं, जिसमें से खास वैरायटी कौन सी है? खास वैरायटी हमारा ये मोदी मैंगो है। मोदी मैंगो, ये देखिए मोदी मैंगो, टॉमी एटकिंग है। टॉमी एटकिंस, हजारी है, दशहरी है। दशहरी तो ऐसी होती नहीं, इतनी खूबसूरत दशहरी कैसे हो गई भाई? ये हम लोग अलग अलग कवर करके रखते हैं, चाइना की टेक्निक अपनाई है उससे हम लोगों ने। आपने बैगिंग की है, खूबसूरती निखर के आ गई। खूबसूरती निखर के आ गई। अच्छा, तो इस मैंगो फेस्टिवल में क्या पौधे भी लेके आए हैं आप? जी, थोड़े से पौधे सेल कर रहे हैं।
हाँ थोड़े से पौधे हमारे पास है, थोड़े से पौधे हैं। ये कौन सा मैंगो है, छू कर देख सकता हूँ भैया? हाँ बिल्कुल छू कर देखिए। ये देखिए भैया मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कौन सा मैंगो है? ये परदानी। क्या खासियत है इसकी? ये इसका पतला रस होता है, टेस्ट में बहुत मीठा होता है और पतली सी गुठली होगी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंगो फेस्टिवल में अंबरपुर बिश्वा सीतापुर उत्तर प्रदेश से ये किसान भाई आए हुए हैं और यहाँ बहुत सारे मैंगो की वैरायटी लेके आए हैं। क्या नाम है भैया आपका? चौधरी मोहम्मद शाहिद। अच्छा कहाँ से आए हैं जी? अंबरपुर बिश्वा सीतापुर से। कितनी वैरायटी लेके आए हो भाई आप? 70 वैरायटियां लेके आए। 70 वैरायटी लेके आए हैं और मैं देख रहा हूँ सबसे बड़ा मैंगो एक ये दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? ये राजा वाला। ये राजा मैंगो है और देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। ये छोटा मैंगो कौन सा है? ये कौन सा वैरायटी है? ये अनारदाना। अनारदाना देखिए भैया, ये अनारदाना खाने में कैसा होता? अनारदाना हल्का खट्टा होता है। खट्टा होता है लेकिन अचार वाला नहीं है ना? नहीं नहीं अचार वाला नहीं है। ये कौन सा मैंगो है? ये ढाई सेरा। ढाई सेरा, क्या खासियत ढाई सेरा की? ढाई सेरा ये अचार के लिए आम ज्यादा। ये वही वैरायटी है जो आपने दिखाया? नहीं ये अंगूरी है। अंगूरी, इसकी क्या खासियत है अंगूरी की? ये अंगूर जैसा आम होता है, छोटा अंगूर जैसा। और पेड़ कितना बड़ा होता है? पेड़ बहुत बड़ा नहीं होता है। बौनी वैरायटी है जी। अच्छा नियमित फलन देगी, हर साल फल आएगा? हर साल कि गैप करेगा? नहीं नहीं गैप नहीं करेगा। अच्छा ये मैं देख रहा हूँ कि कुछ आम की एक अनोखी वैरायटी आप लेके आए हो। शरीफा। शरीफा, ये तो शरीफे की तरह है भैया, हाथ में लेके दिखा दो, हमें तो छूना अलाउड नहीं है। ये देखिए शरीफे की तरह आम। अच्छा क्या रेट में इसका आम बिकता है भैया? इसका कोई खास ज्यादा रेट अच्छा नहीं होता, खाली 100 पीस वाले आम में है। और एक करेला आम भी था क्या आपके पास? जी है। कौन सा करेला आम भाई, इसे दिखा दीजिए भैया। करेला, ये देख सकते हैं करेला। खाने में एक ऐसा होता करेला, क्या कड़वा होता करेले की तरह क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हाँ हाँ हल्का मीठा होता है, हल्का सा। अच्छा अच्छा तो 70 वैरायटी भैया लेके आए हैं जी, जी। तो सबसे जो आपके टॉप वैरायटी है, बढ़िया वैरायटी है, वो कौन सी है? ये अमरपाली है, मलिका है। अमरपाली है, मलिका है, हुसनारा है। गजब का देखिए भैया अमरपाली, बहुत ही खूबसूरत आम। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सीतापुर से भैया आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। कितनी वैरायटी लेके आए हैं मैंगो फेस्टिवल में? मैं 65। 65 वैरायटी लेके आए हैं और मैं देख रहा हूँ कि ये जो मैंगो है काफी बड़े साइज का है जी। और क्या नाम है इसका? इसको तो ढाई सेरा कहते हैं। ढाई सेरा कहते हैं। बड़ा भी होता है, जो सबसे बढ़िया खाने में ये होता है हुसनारा। हुसनारा आम लेके आए हैं, ये तो अर्ली वैरायटी है, पहले पक जाता था। अर्ली बारे बम्बैया भी आती है। तो इस बार मैंगो फेस्टिवल भी टाइम से हो रहा है, इसलिए वैरायटी देखने को मिल रही है। टाइम से नहीं हो रहा, टाइम से नहीं हो रहा, लेट है। ये जून में अगर हो जाए। अच्छा अच्छा 26 जून के लास्ट हफ्ते में हो जाए। अच्छा तो आपको बहुत सी वैरायटी बम्बई भी मिल जाएगी, माजा सवेदा मिल जाएगा। अच्छा जी और कौन सी वैरायटी है? ये बहुत सुंदर मैंगो लग रहा है, ये कौन सा? ये है मलिका। मलिका जैसा नाम वैसा आम, देखिए मलिका मैंगो और काफी ब्रेड। ये कौन सा? बहुत सिंदूरी है। सिंदूरी आम जी जी। अच्छा सिंदूर तरह, खाने में कैसा है सिंदूरी आम भैया? हल्का रसीला होता है, इसमें रस ज्यादा होता है। रस ज्यादा, चूसकर खाने वाला है क्या? चूसकर। अच्छा और आपका यहाँ जो कुछ बेहतरीन वैरायटी लेके आओ, नाम बताइए कोई बेहतरीन वैरायटी कोई है इसमें? ये सेंसेशन है। कौन सेंसेशन? देखिए भैया सेंसेशन भी यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये कौन सा है? ये है क्या कहते हैं आपका, रटोल। अच्छा रटोल जी, रटोल है ये। अच्छा और ये है आपके, ये आमीन बोलते हैं। आमीन जी। अच्छा वो करेला है, वो हाथी जूल। ये करेला है जी। हाथी जूल कौन सा भैया? यहाँ पर वेस्ट बंगाल से भी जो है लोग आए हुए हैं, पश्चिम बंगाल से जावेद अमीन। कितनी वैरायटी इस मैंगो फेस्टिवल दिल्ली 2024 में आप लेके आए हैं बताएं? इस साल ज्यादा नहीं ले आए सर जी, हाँ 20 वैरायटी ले आए हैं। 20 वैरायटी आप लेके आए हैं और जैसा कि मैं देख रहा हूँ ये तोता परी बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है, मल्लिका में भी बहुत बढ़िया कलर आया है। और आपके यहाँ की जो बेहतरीन वैरायटी उसके बारे में बताएं, कौन सी आपके यहाँ बेहतरीन वैरायटी लेके आए? वहाँ का बेहतरीन वैरायटी हिमसागर है। हिमसागर है, ज्यादा मीठा ही आम है। अच्छा हिमसागर, देखिए दोस्तों हिमसागर कितना खूबसूरत लग रहा है। और कौन सी वैरायटी लेके आए हैं? ये रत्ना लेंगड़ा है, रत्ना है, रत्ना है। और कौन सी वैरायटी है? आम्रपली है। अच्छा मैं देख रहा हूँ जो आम कम पसंद किए जाते हैं, ये देखिए लुप्त हो रहे हैं, बेगम पसंद। हाँ। इसकी फार्मिंग लोग नहीं कर रहे हैं। नवाब पसंद है, ये देखिए भैया नवाब पसंद कलकत्ता में भी होता है। हाँ। ये देखिए नवाब पसंद, ये कौन सा है? असीना। असीना ये खट्टा खट्टा आम होता है, आचार चटनी आचार के लिए ज्यादा अच्छा है। बहुत ही खूबसूरत। और कौन सा लेके आए? लंगड़ा है, देखिए लंगड़ा बहुत बढ़िया। चटर्जी, चटर्जी ये आपके यहाँ का लोकल होगा? लोकल है। खाने में कैसा चटर्जी? अच्छा है,
देख सकते हैं ये वेस्ट बंगाल से आए हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे मैंगो की वैरायटी रखी हुई है और ये देखिए बहुत खूबसूरत नज़ारा। और भैया ये मलिहाबाद से आए हुए हैं और अपना नाम बताएं और अपना परिचय। मेरा नाम बाबूलाल है। अच्छा, नाम ससंदा जी, मलिहाबाद लखनऊ से आया। मलिहाबाद लखनऊ। कितनी वैरायटी दिल्ली आम महोत्सव 2024 में आप लेके आए हैं? 350 से ज्यादा वैरायटी। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए एक एक वैरायटी दिखाना बहुत मुश्किल है। ये देख सकते हैं ऐसी ऐसी वैरायटी जो कि लुप्त हो चुकी है, कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये भैया इस आम महोत्सव 2024 में लेके आए हैं दिल्ली मैंगो फेस्टिवल में। ये छोटा सा जो मैंगो देख रहा हूँ अनारदाना, क्या खासियत है इसकी? मतलब छोटा होता है इसलिए उसका नाम रख दिया गया अनारदाना। अनारदाना, दूधिया गोला, ये सब आम देखिए आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। बेहतरीन वैरायटी कौन सी है जो आप लेके आए हैं, आपको भी पसंद है, लोग पसंद कर रहे हैं? लोग इसमें देसी हैं, ये वैरायटियां लमसम सभी पसंद करेंगे। सभी लिमका, ये देखिए नाम देखिए ऐसा भाई, दशहरी चौसा लंगड़ा आम कमर्शियल वैरायटी है। फ्लेवर भी अगर लिमका है तो लिमका जैसा फ्लेवर है, जैसे बटर है तो बटर जैसा है, पंत है, सुमित है, ठीक है, नीलिमा है, तो बहुत 350 ज्यादा लेके आए हैं। दोस्तों देख सकते हैं पूरी नहीं लगानी, बहुत वैरायटियां लेके आए हैं, बहुत ही खूबसूरत नजारा। एक एक आम दिखाना मेरा बहुत मुश्किल है। ये देखिए और बहुत अच्छे से ऋतु, ये देख सकते हैं एक एक आम का नाम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान का ये स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए बहुत सारी वैरायटी लेके आए हुए हैं दिल्ली आम महोत्सव में। ये देखिए रंगीन वैरायटी दिखाइए, ये देखिए। और सर हमारे साथ में सर अमरकांत, कहाँ से हैं भैया? CISH। अच्छा अच्छा, कौन कौन सी वैरायटी लेके आए हैं इस बार आम महोत्सव में? इस बार टोटल 175 वैरायटी लेके आए हैं। 175? हाँ 175 वैरायटी। तो जो खास वैरायटी है बता दीजिए। वो खास वैरायटी में हमारी जो है अंबिका है। अंबिका कहाँ लगी हुई है? अंबिका इधर आगे की तरफ देख लीजिए। अंबिका, ये देखिए ये अंबिका है। देखिए कितना खूबसूरत होता है अंबिका आम, कोई टक्कर नहीं दे पाता इस आम को। ये अरुणिका है। अरुणिका है, ये तो इसका टीएस तो ठीक है। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये कौन सा बहुत खूबसूरत आम दिख रहा है? सारे हमारे हाइब्रिड पाइपलाइन में है। ये पाइपलाइन में है एक्सपेरिमेंटल, जैसे कि आपने अरुणिका अंबिका को विकसित किया। हाँ, उसी तरह से पाइपलाइन में है। ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसका नाम अभी क्लियर नहीं है, नहीं रखा गया है अभी। देखिए ये पाइपलाइन में है, इसका मतलब अभी नाम नहीं दिया गया है, लेकिन टेस्टिंग में है। टेस्टिंग में है और जब सक्सेस हो जाता है तो उसका नाम दिया जाता है, देख सकते हैं। और कौन सी वैरायटी जो खास है और किसानों को लाभ दे सकती है इस वक्त? आप दो किस्में जो है बिल्कुल रेकमेंड करिए किसानों को, कौन सी है? देखिए ये वैरायटी वो वैरायटी है जो कमर्शियल जो है चल रही है। अच्छा, केसर है, चौसा हो गई आपकी, चौसा हो गई, ठीक है, रतौल जी, GI है आपका, रतौल एरिया का जो वेस्टर्न यूपी में है, जर्दालू आपका बिहार का है, स्पेसिफिक वैरायटी है, केसर हो गया आपका गुजरात, गुजरात में अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, वो आपको रखा हो क्या, अल्फांसो है, अल्फांसो है। तो ये दो वैरायटी तो मार्केट में जो है अच्छा सा वो कर रही है। दशहरी भी है, देखिए आगे सबसे नंबर एक दशहरी। दशहरी तो अपने हम लखनऊ की मलिहाबाद की फेमस है, खासियत है। और ये ऑस्टिन मैंगो आप लेके आए हो यहाँ पर, टॉमी एटकिंस लेके आए? ये सब एक्जोटिक वैरायटीज है। अच्छा, हाँ। इसमें कुछ बाहर की भी है? बाहर की, ये सब बाहर की वैरायटी। कहते हैं कि जो अंबिका आम है वो भी शुगर फ्री की श्रेणी में आता है? नहीं, मीठा है वो, मीठा है। सर आप कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर, पुरकावी। अच्छा, इस मैंगो फेस्टिवल 2024 में आप कितनी वैरायटी को लेके आए इस बार? अब तो सभी 175 बताने लगे, वैसे मैं ही लाया हूँ 175 और कोई नहीं। 175 वैरायटी लेके आए हैं। जो सबसे बेहतरीन वैरायटी है, कुछ वैरायटी हमारे किसान भाइयों को बताएं कि आप सबसे बेहतरीन वैरायटी कौन कौन सी लेके आए? ये मैंगो मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है, कौन सा मैंगो है? गुलाब खास। ये गुलाब खास है, देखिए हमारे यहाँ का गुलाब खास जो लखनऊ का होता है, कलर में कितना डिफरेंस है। ये देख लीजिए मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के भी आम बहुत फेमस है, चौसा मुजफ्फरनगर का जो आता है लंगड़ा, बहुत अच्छा होता है लंगड़ा। ये कौन सा आम लेके आए हैं? ये आम का बॉटनिकल नेम तो है अमेरिकन बेल। अच्छा, अमेरिकन बेल। हाँ, लेकिन जब हमारे देश का है तो हम क्यों अमेरिका रख रहे हैं जी, हमारे देश का है। अब हमने इसको जो है नाम दे दिया महाबली। अच्छा, महाबली। कितने इसका वजन कितना जाता है सर? 2 किलो तक जाता है। 2 किलो तक वजन जाता है। और ये कौन सा मैंगो है? ये आड़ू वाला पीच मैंगो। ये देखिए पीच मैंगो आड़ू की तरह होता है दोस्तों, देख लीजिए ऐसे ऐसे आम आपको दिखाऊं। खाने में कैसा है? ठीक है, ठीक ठाक मैंगो होता है। और ये तो वो अनारी, अनारी आम देखिए किस टाइप का होता है, ठीक है। और ये जो मैं आम देख रहा हूँ सर, चितला, ये क्या आम इसका?
चितला। अच्छा देख लीजिए भैया, इस टाइप का भी आम है, काफी वैरायटी, 175 वैरायटी लेके आए हैं।